हेलो भाई डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 7 8 हम लोग अपना पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे एडवांस में। ठीक है, चले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स की पावर ए बाई एक्स की पावर बी पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी बाई एक्स की पावर सी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी बाई एक्स की पावर ए पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे एक्स की पावर ए और ये जो बी है ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस बी और इस पर पूरे का पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई फिर एक्स की पावर बी और ये सी ऊपर से जाएगा माइनस माइनस सी और फिर पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी माइनस एक्स की पावर ए मतलब ए फिर पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मल्टीप्लाई में है बी और ए, ये सब पावर है, ये सब पावर है। ठीक है, अब ये जो ए माइनस बी है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, वैसे ये भी बन जाएगा एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, वैसे ये भी बन जाएगा एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे आया मैं दिखाता हूँ। हम लोग ए माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, चलिए देखिए ए से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ए क्यूब, फिर ए को इससे करेंगे तो क्या बनेगा प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक है, और फिर ए को इससे करेंगे तो क्या बनेगा प्लस ए बी स्क्वायर। अब माइनस बी से इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर माइनस बी को इससे करेंगे तो बन जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर बी स्क्वायर को जब माइनस बी से करेंगे तो बन जाएगा माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर बी है प्लस का, ये ए स्क्वायर बी है माइनस का, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और फिर ए बी स्क्वायर और ये माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, वही चीज मैंने वहां पे भी लिखा है, मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और तीनों को ऐसे करना है। अब देखिए तीनों का बेस सेम है ना, तो तीनों का जो पावर है उसको एक एक ही अंक पे ला देते हैं, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, इसको ब्रैकेट में रखिए, फिर ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, आ गया। अब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, लिखा है ना इज इक्वल टू 1, ये रहा, सबके इज इक्वल टू 1 कर दीजिए क्योंकि हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ माइनस ए क्यूब है और यहाँ प्लस ए क्यूब है, कट गया। अब माइनस बी क्यूब है प्लस बी क्यूब है, कट गया। माइनस सी क्यूब है प्लस सी क्यूब है, कट गया। तो अब क्या बचा, एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, और हम लोग जानते हैं किसी भी अंक पे अगर पावर जीरो होगा तो इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि इसको प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू 1 है या नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर। ठीक है, हम लोग सिंप्लीफाई करना है इसको, तो करते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या बनता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बनेगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम दोनों ने पहले इसको सॉल्व किया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको और इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई
ये भी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये x की पावर 4 माइनस 1 बाई x की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x की पावर 4 माइनस 1 बाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 में पावर 2, ठीक है, यहाँ ठीक है तो हो गया। और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, ठीक है, इसका बेस सेम हो गया और दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। तो अब जो ये पावर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, वैसे यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस 1 बाई x की पावर 8, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसका वैल्यू आएगा x की पावर 8 माइनस 1 बाई x की पावर 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को ये दोनों के वैल्यू दिए गए हैं, ए प्लस बी प्लस सी के और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है हमसे, तो इसको इधर ला देंगे और इसको उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसा मत कीजिए, इसको उधर ही रहने दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 दिया गया, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब a प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, ठीक है, सी ए सॉरी सी ए का वैल्यू दिया गया है 23 23 कर देंगे, तो 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद आएगा ये 46। अब ये इधर माइनस चल जाएगा, 81 माइनस 46 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या होगा 35, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 बाई x, ठीक है। मैं आपको दो मेथड से बना के दिखाऊंगा, एक तो फॉर्मूला के बेसिस पे और एक ट्रिकिंग मेथड से, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हैं, x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, दिया है ना। अब हम लोग लिखेंगे बोथ साइड क्यूबिक, हम लोग बोथ साइड इसे पावर 3 कर देंगे, तो x माइनस 1 बाई x में क्यूब इक्वल टू 5 के क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई x में क्यूब इज इक्वल टू 125, ठीक है। अब इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब में फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 बाई x फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x माइनस 1 बाई x, ठीक है। तो हम लोग इज इक्वल टू क्या है 125, और हम लोगों को निकालना ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x x कट जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब माइनस ये 3, और ये x माइनस 1 बाई x का वैल्यू क्या था 5 था, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब
ब्रैकेट में माइनस 15 इक्वल टू 125, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 125 प्लस 15 यानी कि 140। तो हमसे क्या पूछा था, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, तो आएगा 140। ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड में पहले लिखा देते हैं कि प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अभी ये कैसे, अगर यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे भी इसका साइन माइनस है तो ये होगा प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस होगा तो रहेगा प्लस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। जैसे कि अब कैसे होगा बता दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये माइनस 15 था ना और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, और अगर यहाँ प्लस रहता या फिर यहाँ प्लस रहता तो ये इधर जाके क्या हो जाता माइनस। तो वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया गया है, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 5, और हम लोग निकालना है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्यूब कर लेंगे क्योंकि x क्यूब बोल दिया 5 का क्यूब, ठीक है। अब माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या है, सॉरी प्लस प्लस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो अब ये जो पावर है ये क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। 125 प्लस 15 कितना आ गया, 140। वही चीज आ गया जो हमने निकाला था पहले। ये हो गया फॉर्मूला मेथड और ये हो गया ट्रिकी मेथड कि हम लोग पहले तो यहाँ पे क्यूब बोल दिया तो 5 का क्यूब कर दिए, और उसके बाद x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया है, और ये जो x का जो पावर है 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वैल्यू से और इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे मैंने लिखवाया है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि अगर ये प्लस और ये प्लस रहेगा ना तो माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है। और बाकी सब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो उससे आपका ट्रिकी मेथड ये आराम से बन जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही आप लोग अपडेट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a, ठीक है। हम लोग को तीनों का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, इसका इसका, और हम लोग को निकालना है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 9। अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 81। मैंने बताया था ना इसका फॉर्मूला पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 26 दिया गया है, ब्रैकेट में 26 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 में माइनस 26 मल्टीप्लाई टू करेंगे तो आएगा 52 माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 माइनस करेंगे तो आएगा 99, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस
सी ए ब्रैकेट वन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जो हमसे पूछा है जिसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया गया हम लोग को, 9 ब्रैकेट में लिखते हैं ब्रैकेट। अब इसको पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए और देखिए इन तीनों में क्या है, माइनस है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये 9 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला था, 29। तो वही वैल्यू पुट कर देना है 29, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो इन दोनों को साथ में लिया था ना, तो इसको बड़े ब्रैकेट में अलग कर देते हैं और ये अलग हो जाएगा, ये अलग और ये दोनों अलग, ठीक है। तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या दिया गया हम लोग को, 26 ये ब्रैकेट ब्रैकेट। तो 9 से इसको जब माइनस करेंगे ब्रैकेट से निकाल के 29 माइनस 26, तो 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये 3 यानी कि 27। तो हमसे क्या पूछा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा, 27, तो हमने निकाला। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।